राजनीति करने का मतलब ये थोड़ी होता है कि हम अलग पार्टी में हैं तो हमारी दोस्ती नहीं है। सुशील मोदी जी हम लोगों के मित्र हैं, सुशील मोदी जी को हम लोगों की शुभकामना है, सुशील मोदी जी को फिर से भारतीय जनता पार्टी अगर राज्यसभा में बना दे तो हम लोग उनको शुभकामना देते थे, हम लोग तो रोज बोलते हैं। इससे नीतीश कुमार को भयभीत होने वाले हैं? कोई भयभीत नहीं होने वाला है, कोई भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखने का कोई सवाल ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी धोखेबाज पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने 2020 के विधानसभा के चुनाव में नीतीश कुमार के पीठ में छुरा भोंकने का काम किया। कौन मायने निकालने की बात है, जो मायने निकाल रहे हैं उनकी नीयत खराब है, उनका देखने का नजरिया गलत है, और जो उनका एजेंडा है उसी नजरिया से वो देखते हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सबसे संबंध है, राजनीति करने का मतलब ये थोड़ी होता है कि हम अलग पार्टी में हैं तो हमारी दोस्ती नहीं है। हम लोग तो रोज कहते हैं कि सुशील मोदी जी हम लोगों के मित्र हैं, सुशील मोदी जी को हम लोगों की शुभकामना है, सुशील मोदी जी को फिर से भारतीय जनता पार्टी अगर राज्यसभा में बना दे तो हम लोग उनको शुभकामना देते थे, हम लोग तो रोज बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, सुशील मोदी की पार्टी में जा रहे हैं? नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के बारे में कोई चर्चा उन्होंने नहीं की, व्यक्तिगत संबंधों की बात की, और व्यक्तिगत संबंध को राजनीति से जोड़ने का काम मीडिया वालों का, ये मीडिया ये काम करती रहती है, इसलिए कि मीडिया का कोई ना कोई एजेंडा है और उस एजेंडे के मुताबिक चलती है। कभी कहेगी कि ललन सिंह को सेट करने के लिए नीतीश कुमार ने सेट कर दिया, कभी कहेंगे कि नीतीश कुमार और ललन सिंह में भारी मतभेद चल रहा है, कभी चलाएंगे कि फलनवा को फलनवा से सेट कर दिया, कभी कहेंगे कि ललन सिंह चाहते हैं राजद के साथ, नीतीश कुमार चाहते हैं नीतीश कुमार के अलावा भाजपा की तरफ जाएंगे, भाजपा की तरफ नीतीश कुमार देखेंगे भी नहीं। और मीडिया ने जो चलाया है वो नीतीश कुमार के साथ मीडिया ने बेईमानी किया। नीतीश कुमार जी ने मंच पर कहा है कि रिश्ते हैं और मेरे रिश्ते हैं, तो व्यक्तिगत रिश्ता अलग है, राजनीति अलग है। नीतीश कुमार कहे के लिए भाजपा की तरफ देखेंगे? वहीं माननीय लालू प्रसाद जी और तेजस्वी यादव जी आरजेडी के लोग 9 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार जी के साथ गठबंधन में शामिल हुए, तब से उन लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है? इससे नीतीश कुमार को भयभीत होने वाले हैं? कोई भयभीत नहीं होने वाला है, कोई भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। भारतीय जनता पार्टी धोखेबाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने 2020 के विधानसभा के चुनाव में नीतीश कुमार के पीठ में छुरा भोंकने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने हमारी पार्टी के एक नेता के साथ मिलकर नीतीश कुमार जी के खिलाफ खड़यंत्र किया। तो जो जिसने पीठ में छुरा भोंका उसकी तरफ देखने का कहां सवाल है, जाने की तो बात छोड़। हाँ, नीतीश कुमार जी का स्वभाव है वो व्यक्तिगत संबंधों को मानते हैं, तो व्यक्तिगत संबंधों को मानते हैं। यह आपका नजरिया है, मीडिया का नजरिया है कि उसको तुरंत एंगल चेंज कर दिया। वहीं गए एगो न्यूज चैनल में हम देखे कह रहे हैं कि भाजपा के साथ नजदीकियां। नीतीश कुमार जी ने कहा था क्या मंच पर, हम चुनौती देते हैं, बताइए नीतीश कुमार जी ने कहा था क्या कि हम भाजपा के साथ मेरी दोस्ती रहेगी? व्यक्तिगत लोगों के बारे में, लेकिन एजेंडा है तो है, चलाते रहिए, उससे कोई फर्क हम लोग नहीं पड़ते। हम लोग का साफ है, बिलाई के भाग से छिक्का नहीं गिरेगा। नीतीश कुमार जी नरेंद्र मोदी जी की सत्ता को बेदखल करने के लिए कृत संकल्पित हैं। उन्होंने विपक्षी, नीतीश कुमार जी विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं, और नीतीश कुमार जी का एकमात्र लक्ष्य है 2024 में भाजपा मुक्त देश का बनाना।